हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों में किसी तरह की प्रतिभा की कमी है, प्रतिभा बहुत है, मगर उसको निखारने वालों की कमी रही है, निखारने के लिए लोग आगे नहीं आए, कहीं ना कहीं हम पीछे रहे। तो आज आप सब लोग आगे आए, बहुत बहुत आपका अच्छा काम कर रहे हो, आप नेक काम कर रहे हो। यहाँ पे क्रिकेट मैच शुरू किया, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्रिकेट मैच हमने यहाँ पे फीमेल्स का देखा है, गर्ल्स का देखा है, और मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ जो इनिशिएटिव लिया गया है रॉयल वुमेन क्लब की तरफ से कि यहाँ पर लड़कियों को जो है मौका दिया गया। देखिए जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद हमें अब अपनी प्रतिभा को निखारने के और ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। पहले हम मानते थे कि हमारे यहाँ 370 है, जम्मू कश्मीर शायद बाकी राज्यों से कटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर एक कमी रह जाती थी कि उनको अपनी प्रतिभा निखारने के बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ केंद्र सरकार का भी, और यहाँ जो जम्मू कश्मीर के गर्ल्स को लेकर स्पेशली जो यहाँ पर क्रिकेट को और स्पोर्ट्स को जो है महत्व दिया जा रहा है, उनके लिए टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। बच्चों से भी मेरी बात हुई, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं आज इस टूर्नामेंट को खेलते हुए। उन्हें लगा है कि उन्होंने एक साल के बाद बैट बॉल को या अपनी ग्राउंड के अंदर वो आए हैं, क्योंकि पीछे का पूरा एक साल उनका कोरोना संकट काल के कारण घर में ही दबे हुए वो बेचारे रहे हैं। तो इनको ऑल दी बेस्ट, और बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव कर रहे हैं, इनको हमारी तरफ से शिवसेना की तरफ से पूरा सहयोग का आश्वासन दिया गया है कि आगे भी जो टूर्नामेंट होंगे शिवसेना उसके लिए पूरा इनको जो है सहयोग देगी। जी मैम, आज हमारा नारी शक्ति क्रिकेट